यूपी विधानसभा का चुनाव कई मायनों से अहम और आज परिणाम का दिन, यूपी में फिर से कमल खिल रहा है, क्या कहेंगे? कमल खिल गया, खिल कर रहा है, कमल खिल गया। अब ऐसा है कि राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ एकजुट हो रही थी, आज उनको बड़ा झटका लगा है। मैं जानता हूँ कि वो हार मानेंगे नहीं, फिर प्रयास करेंगे कि राष्ट्रवादी पार्टियों को यहाँ से कमज़ोर करने का कोशिश करेंगे। लेकिन जब राष्ट्रवादी है और पूरा देश राष्ट्रवाद में घुल मिल गया है, सब लोग राष्ट्रवाद को अच्छा मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रवादी पार्टी की विजय हमेशा होती रहेगी। कई ऐसी पार्टियां हैं जो आज भी ईवीएम का जो रोना है अभी से जो रुदान है होना शुरू, तो जब वो जीतते हैं तो रोना बंद कर देते हैं, हार जाते हैं तो रोना रोने, इसे सब जान पब्लिक सब जानती है। तो क्या फिर से जो 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 क्षेत्र थे जहां यूपी में काम नहीं हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव का टारगेट करेगी आपके नज़र से? तो टारगेट है भाई, काम किया है तब तो जनता वोट दी है, काम किया है तब ना, कोई जात के समीकरण पर थोड़े जीत के आया है भैया, काम किया है उसी के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है, आगे भी काम करेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो डबल काम भी होगा। सर, संक्षिप्त शब्दों में जो यूपी में जो अभी मौजूदा हालात है, भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है, सीपी सिंह उसको दो संक्षिप्त में कैसे बयां करें? बस यही कहेंगे, एक गाना गाती थी यूपी में काबा, तो मैं कहूँगा यूपी में MY बा, MY का मतलब हुआ मोदी और योगी। तो इस वक्त है हमारे साथ BJP के कद्दावर नेता CP सिंह, जिन्होंने कहा कि यूपी में काबा तो यूपी में मोदी बा और योगी बा। लाइव 7 के लिए दीपक के साथ विशाल भारद्वाज।